आज हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज गॉस थ्योरम एक्सप्लेन। ये जो आपसे पूछा जाएगा ये क्या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। 2 मार्क्स में अगर पूछे तो ये लिखिएगा, नहीं तो 5 मार्क्स में अगर आए तो अपने के लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ का जो प्रूफ है वो प्रूफ करेंगे। तो ये किसके लिए है, 2 मार्क्स में अगर पूछे तो। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गॉस लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ ये लॉ क्या बोलता है देखिएगा, नेक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। नेक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना क्लोज्ड सरफेस, और द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और चार्ज जो होगा इनक्लोज्ड बाय द सरफेस वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय अल्फा नॉट। सिंपली समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड जो हमारा रहेगा उसको आप लोग अल्फा नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा, वो क्या निकल जाएगा अपना गॉस थ्योरम। सिंपली समझिए क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज जो है हमारा उसको डिवाइड कीजिए अल्फा नॉट से, क्या निकल के आ गया हमारा गॉस थ्योरम। तो देखिए फाई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम लोग कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय अल्फा नॉट। यहाँ पे क्यू इन क्या है हमारा, नेट चार्ज है, नेट चार्ज बाय अल्फा नॉट, क्या आ गया हमारा गॉस थ्योरम। ओके, अब देख लीजिए इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। सो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्यू इन बाई अल्फा नॉट, और मैथमेटिकल फॉर्म इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, ये क्या है हमारा क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ये क्या था हमारा गॉस थ्योरम, 2 मार्क्स में अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे तो। सो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।